हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 24 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ट्रिक से करेंगे और ये ट्रिक आगे चैप्टर्स में बहुत जगह काम आएगी, तो इसको अच्छे से समझना। एक क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर लेंगे। तो दो संख्याएं इनका ही रेशियो दे रखे हैं, 3:4। फिर बोला प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए और 10 जोड़ने के बाद ये अनुपात हो जाता है 5:6। तो हमें संख्याएं निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस रेशियो की मल्टीप्लाई इस रेशियो से करेंगे और इस रेशियो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और फिर ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो 6 × 3 = 18 और 5 × 20, तो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 रेशियो आएगी। उसके बाद इस 6 की मल्टीप्लाई इस 10 से और इस रेशियो की मल्टीप्लाई इस 10 से और फिर ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 60 और यहाँ से आएगा 50। तो 60 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 10। तो 2 रेशियो बराबर है 10 के, तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 5 के। और एक बात याद रखनी है, यहाँ पर अगर सेम साइन हो तो ये माइनस होंगे, अगर यहाँ पर डिफरेंट साइन हो तो ये प्लस हो जाएंगे। अब 1 रेशियो है 5, संख्याएं की रेशियो थी 3:4, तो 3 रेशियो कितनी हो जाएगी, 3×5 = 15 और 4×5 = 20। तो 15 और 20 संख्याएं हो जाएंगी ऑप्शन बी। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ जाओगे, बिल्कुल इजी ट्रिक है। अब इसको बेसिक से देख लेते हैं। हम मान लेते हैं संख्याएं है 3x और 4x, रेशियो थी 3 और 4, तो संख्या क्या हो जाएंगी, 3x और 4x। उसके बाद बोला प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं में अगर 10 जोड़ दें हम, उसके बाद इनकी रेशियो जाती 5:6, तो इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी, इनको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 5:6। तो इसको रेशियो को भिन्न में लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 × 18x = 60 और 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5×20x और यहाँ से आ जाएगा 50। 18x को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2x और 50 को 60 में से माइनस करेंगे 10x हो जाएगा यहाँ से 5। संख्याएं थी 3x और 4x, x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे तो 15 और 20, यही हमने यहाँ से निकाला था। तो हम ट्रिक से सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं की रेशियो दे रखी है 3:4। फिर बोला प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए, उसके बाद रेशियो हो जाएगी 2:3। तो पहले क्या करना है, 3 × 3 = 3 से और 2 × 4 = 4 से, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो 3 × 9 और 2 × 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। उसके बाद इस 3 × 8 से और 2 × 8 = 8 से और ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो 3×8 = 24 माइनस 2×8 = 16, 24 में से 16 गए तो 8। और इसको डायरेक्ट और शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, इसका इन रेशियो की डिफरेंस देख लेंगे, कितना है, 3 में से 2 गए तो 1 और 1 × 8 फिर इस 8 से कर देंगे तो डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। क्योंकि देखो 3 × 8 से करनी है और फिर 2 × 8 से करनी है और इनको माइनस करना है। तो पहले क्या करेंगे, 8 को पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर 3 − 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इस संख्या से। तो 1 रेशियो बराबर है 8 के, तो 3 रेशियो कितनी हो जाएगी, 24 और 4 रेशियो हो जाएगी 4×8 = 32। तो 24 और 32 संख्याएं हो जाएंगी 26 में ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। दो संख्याएं 7:10 के अनुपात में हैं। तो संख्याओं का रेशियो है 7:10, प्रत्येक में से 15 घटा दिया जाए तो उसके बाद अनुपात हो जाएगा 4:7। तो क्या करना, 7 × 7 = 49, इस 4 × 10 = 40, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो 9। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे और 4 × 15 = 15 से, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं रेशियो को, तो 7 में से 4 गया तो 3 और 3×5 = 3, 15 = 45, तो 1 रेशियो हो जाएगी यहाँ से 5। 7 रेशियो कितनी हो जाएगी, 35 और 10 रेशियो हो जाएगी 10×5 = 50। तो 35 और 50 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात हो जाएगा 5:7। तो 7 × 2 = 14, 5 × 3 = 15, 15 में 14 माइनस करेंगे तो 1। उसके बाद 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, कितना हो जाएगा 10। या फिर 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 × 5 = 10, तो 1:10, 2:20, 3:30, तो 20 और 30 संख्या हो जाएंगी ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बाद अनुपात हो जाएगा 6:7। तो संख्याएं निकालनी है, 7 × 4 = 28, 6 × 5 = 30, 30 में से 28 माइनस करेंगे 2, और 7 में से 6 गए तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 20। 2:20 के बराबर 1:10 के बराबर, तो 4:10 किसके बराबर होगी, 4 × 40 और 5 × 50, तो 40 और 50 संख्याएं हो जाएंगी ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। वर्गानुपात इसी में इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है, वर्गानुपात मतलब पहले वर्ग निकालेंगे उसके बाद इसका अनुपात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, 30 में क्या दे रखा, 4:5, और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गानुपात। तो पहले संख्या निकालें, संख्या हो जाएंगी 4x और 5x, उसके बाद क्या करना है, वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो 16x², इसका वर्ग करेंगे तो 25x², उसके बाद अनुपात। तो इनका अनुपात निकाल देते हैं, जो कॉमन होगा उसे कैंसिल कर देते हैं, तो कॉमन तो इनमें कुछ है नहीं संख्याओं में, लेकिन x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16:25 इसका आंसर। तो डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं, रेशियो का ही हम वर्ग कर देंगे, 4² = 16 और 5² = 25, क्योंकि जहाँ पर ये x है इसका x² होगा तो कॉमन हो रहेगा दोनों जगह, तो वो बाद में माइनस होना है, तो पहले हम रेशियो का ही स्क्वेयर कर देंगे, ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तीन अनुपात सात का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो संख्या की रेशियो दे रखी है 3:7, तो इसका वर्ग करेंगे 9, 7 का वर्ग करेंगे 49, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रेशियो दे रखी है 25 और 36, और यहाँ पर क्या बोला है, वर्गमूलानुपात। तो वर्ग मूलानुपात, अब यहाँ पर क्या करना है, वर्गमूल करना है पहले और उसके बाद अनुपात निकालना है। तो डुप्लीकेट में क्या करेंगे, हम उसका स्क्वेयर करेंगे उसके बाद रेशियो निकालेंगे, और सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे, उसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे और उसका अनुपात करेंगे। तो इसका स्क्वेयर रूट करेंगे और इसका भी स्क्वेयर रूट, क्योंकि x तो बाद में कैंसिल ही होना है, अगर हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं रेशियो से ही, तो 25 का स्क्वेयर रूट हो जाएगा 5, 36 का हो जाएगा 6, तो 5:6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 32 में ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ₹49:144, इसका क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट यानी कि इसका स्क्वेयर रूट निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 11:13। तो क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि घनानुपात। तो पहले क्या करना है, हमें घन निकालना है उसके बाद अनुपात निकालना है। तो इसका घन करेंगे तो 11 का घन हो जाएगा 1331 और 13 का घन हो जाएगा 2197, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर 13 का घन याद भी नहीं है तो ऑप्शन से हम सोल्व कर सकते थे। देखो ऑप्शन ए में है 1331, तो जो है 11 का घन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 512 दे रखा है तो 8 का होता है, तो ए आंसर नहीं हो सकता। बी में पहले 512 है ये भी नहीं हो सकता, और सी में 1331 बाद में है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी में बचेगा 2197। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तीन अनुपात चार, और इसका हमें निकालना ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि इसका घनमूल। तो 3 का घन हो जाएगा 27 और 4 का हो जाएगा 64, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 512 और 729। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, घनमूलानुपात यानी कि घनमूलानुपात। तो पहले हमें घनमूल निकालना है उसके बाद अनुपात, तो इसका हमें निकालना है घनमूल,
तीन तीन के जोड़े बनेंगे अंदर, उसमें से फिर इसको एक को कॉमन लेके बाहर लिखना है। तो 512 होता है 8 का घन और 729 होता है 9 का घन, तो 8:9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। एक सौ पच्चीस अनुपात 216, इसका हमें निकालना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो यानी कि पहले करेंगे इसका घनमूल, उसके बाद इसकी रेशियो। तो 125 होता है 5 का क्यूब और 216 होता है 6 का, तो 5:6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। विच रेशियो इज ग्रेटर, इनमें से कौन सी जो रेशियो है वो बड़ी है। तो रेशियो दे रखी 4:5 और दूसरी रेशियो है 5:6। तो हम रेशियो को भिन्न में भी लिख सकते हैं, 4:5 इसको हम लिख सकते हैं 4/5 और 5:6 इसको लिख सकते हैं 5/6। अब हमें बतानी कौन सी भिन्न में बड़ी है, यानी कौन सी रेशियो बड़ी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किए थे सिंप्लीफिकेशन में, फ्रैक्शंस वाले टॉपिक में किए थे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो उसमें हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे। तो 6 चौके 24 और 5 25, इस डिनोमीटर की मल्टीप्लाई करनी है इस न्यूमरेटर से और इस डिनोमीटर करनी है इस न्यूमरेटर से। अब देखो 24 बड़ा है या 25, तो 25 बड़ा है, 25 आधा इस फ्रैक्शन के लिए, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि 5:6 जो रेशियो है वो बड़ी है, ऑप्शन डी। और यहाँ पर हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे इसको एलसीएम से, डिफरेंस से, डिफरेंस दोनों में 1 है और ये दोनों ही उचित भिन्न है। तो 4 बड़ा है या 5, तो 5 बड़ा है, तो 5:6 जो रेशियो है वो बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, 3:5 यानी कि 3/5 और 4:3 यानी कि 4/3। तो इसमें निकालनी है कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। तो देखो यहाँ पर ये तो उचित भिन्न है, उचित भिन्न होती है जो न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमीटर से, और ये है अनुचित भिन्न, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमीटर से। तो ये तो 100 बड़ी ही होगी, तो अनुचित भिन्न बड़ी होती है उचित भिन्न से। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 4/3। अगर ऐसे नहीं पता तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे, 3 3 9 और 5 6 20, तो 20 बड़ा है, तो 4:3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। आठ रेशो 11 तो 8/11, 3:4 तो 3/4, तो 4 8 32 और 11 3 33, तो 33 बड़ा है 32 से, तो 3:4 जो रेशो हमारी बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, 9/13, 5/17, तो 17 9 153 और 13 5 65, तो 153 बड़ा है, तो 9:13 बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, 7/15, 4/7, तो 7 7 49, 15 6 60, तो 60 बड़ी है, तो 4:7 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 6/15 और ये हो जाएगा 7/8, तो 8 6 48, 15 7 105, तो 105 बड़ा है, यानी कि 7:8 बड़ी है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 5 जॉइंट रेशियो, तो इसमें हमें संयुक्त अनुपात निकालना है। रेशियो दे रखी है 3:5, फिर दे रखा है 7:9 और फिर है 5:7। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें तीनों रेशियो को लिखना है, 3:5 और 7:9 और 5:7, ऐसे तीनों को लिख लेंगे लाइन में, और उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, और जो मल्टीप्लाई आएगी वो यहाँ पर लिखनी है, और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और जो मल्टीप्लाई आएगी वो यहाँ पर लिखनी है, और फिर इनके बीच अनुपात निकालना है। तो बाद में हमें कॉमन पार्ट हटाना है, इससे अच्छा है कि पहले जो कॉमन पार्ट है वो हटा लें, तो मल्टीप्लीकेशन में भी आसानी रहेगी और जल्दी सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ भी 7 है, तो इन दोनों में हमें कॉमन पार्ट देखना है, इन दोनों के बीच, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 से 3 9 कैंसिल करेंगे, तो 3 3 9 और 5 से फिर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा 3, तो 1:3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं तो फिर हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ती और उसको यहाँ लिखते, फिर तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखते, फिर देखते इसको कॉमन पार्ट कौन सा है उनसे कैंसिल करते, टाइम ज़्यादा लगता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 3:7, उसके बाद है 8:9 और फिर है 1:4, तो कॉमन पार्ट देखते पहले, तो 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3
चार से आठ को कैंसिल करेंगे दो, अब कुछ कॉमन नहीं है तो दो एक कम दो और तीन सात है 21, तो 2:21 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 5:7, 9:10 और 3:4 कॉमन पार्ट देख लेते हैं। 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे दो, और उसके बाद कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 9 * 3 = 27 और 4 * 2 = 8, 8 * 7 = 56, तो 27:56 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 8:11, 3:4, 7:6, 4:5, तो अगर कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से चार कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे दो, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है तो 4 * 7 = 28 और 11 * 5 = 55, तो 28:55 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 8:56 यहाँ पर हमें निकालनी है मिश्रित अनुपात। तो पहले दे रखा है इफ़ a = b 3:4 और b = c 7:9 के बराबर दे रखा है। हमसे पूछा है a = b = c क्या होगी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले दे रखा है a = b, कितना दे रखा है 3:4, यानी कि a है 3, b है 4, उसके बाद b = c, तो b के साथ क्या है c, तो c को फिर यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये दे रखा है 7:9, तो इस रेशियो को हम अलग लाइन में लिखेंगे, यहाँ पर ये अलग लाइन हो जाएगी और यहाँ पर अलग, तो B है 7 और C है 9। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर खाली जगह है तो इसके साइड वाली जो रेशियो होगी वो लिखेंगे, तो यहाँ पर इसके साइड में क्या है 4, तो 4 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर खाली जगह है, इसके साइड में क्या है 7, तो 7 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कुछ कैंसिल है तो वो पहले कैंसिल कर लेते हैं। अब इन दोनों लाइन में जो कैंसिल है उसको करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 * 3 = 9, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से आएगा 7 और 7 * 28 और 4 * 3 = 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7:28:12। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसने कुछ कैंसिल नहीं किया होगा, अगर कैंसिल नहीं करें तो क्या आंसर आएगा, 7 * 21 और 7 * 28 और 4 * 36, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 3:4 = b 5:6 और c = d 7:5, तो हमें निकालना a = b = c = d, तो सबसे पहले a = b दे रखी है, कितनी दे रखी है 3:4, उसके बाद b = c, तो b के साथ है c, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये दे रखा 5:6, तो इसको अलग लाइन में लिखेंगे, यहाँ पर 5:6, उसके बाद c = d, तो c के साथ लिखेंगे d को, और ये दे रखा है 7:5, तो c है 7 और d है 5। अब देखो यहाँ पर खाली जगह है तो इनके साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको 4, तो 4 को यहाँ पर लिख देंगे। इसके साइड में क्या है 6, इसके साइड में क्या है 5 और इनके साइड में 7, तो 7 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों लाइन्स की, और कुछ कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे, पहले कैंसिल कर लेते हैं कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर 3 है 6 भी है लेकिन यहाँ पर 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, तो इस लाइन में 5 नहीं है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो 3 * 5 = 15, 15 * 7 = 105 और ये हो जाएगा 5 * 20, 20 * 7 = 140 और ये हो जाएगा 4 * 6 = 24, 24 * 7 = 28 और 7 * 2 = 14 और 2 = 16 और ये हो जाएगा 5 * 6 = 30, 30 * 6 = 120, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और हमसे a → b → c → d ही पूछा था, इनको आगे पीछे करके भी पूछ सकता है, तो उनको फिर हम आगे पीछे लिख देंगे। a → b दे रखा है 2:3, तो a → b है 2:3, उसके बाद b → c, तो b के साथ c को लिख देंगे, और ये दे रखा 4:5, उसके बाद c → d, तो c के साथ लिखेंगे d, और इसका अनुपात दे रखा 3:7, तो
तो डी तक ही थे। अब यहाँ पर खाली जगह है, इनके साइड में है तीन, तीन को यहाँ पर लिख देंगे, इनके साइड में पाँच को यहाँ लिख देंगे, इसके साइड में चार है इसको लिख देंगे, इसके साइड में तीन है तो तीन को यहाँ लिख देंगे। कुछ कॉमन दिख रहा तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन, लेकिन इस लाइन में तीन नहीं है, दो है यहाँ पर, दो का मल्टीपल है, यहाँ पर दो का मल्टीपल नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं। दो चौके आठ, आठ तिया चौबीस, और तीन चौके बारह, बारह तिया छत्तीस, पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह तिया पैंतालीस, पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह सत्ते 105। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में है। इसने रेशियो नहीं पूछी, इसने बोला है यदि ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 4:5 है, सी रेशियो डी 3:7 हो, तो रुपये 1050 में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इन रेशियो का सभी का सम इसने दे दिया 1050। तो पहले रेशियो का सम कर लेते हैं और उसको बराबर रखेंगे 1050 के। तो इनका सम करें, 6 और 4 10 और 10 20, 0 से लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, यहाँ पर तो 0 है 1 और से लगेगी 1, 1 और 1 2, तो 210 सम है इन सभी रेशियो का, और इन रेशियो का रुपये में दे रखा था सम 1050, तो इसके बराबर रख लेंगे 1050 रुपये। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 21 पाँच 105, तो एक रेशियो हो जाएगी यहाँ से 5 रुपये। हमसे क्या पूछा है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ए का हिस्सा 24 रेशियो, एक रेशियो 5 रुपये के बराबर, तो 24 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 24 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 120 रुपये, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।